हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशु श्रीवास्तव और आज मैं आपको इस वीडियो में एक न्यूज़ क्लियर करने वाला हूं जो सीबीएसई की तरफ से न्यूज़ आ रही है। बहुत से यूट्यूबर्स ने इस न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाई है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होंगे, ये बात क्लियर कर दी गई है। ऐसा करके वीडियोस बनाई गई हैं यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर के द्वारा कि आपके सितंबर के लास्ट वीक से आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और जो सीबीएसई जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम लेने वाली थी ये बात डिक्लेयर हो गई है कि आपके एग्ज़ाम होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। तो ऐसे ही करके कुछ न्यूज़ आ रही है और ये यूट्यूबर्स जो हैं, अदर यूट्यूबर्स, वो इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि ऐसा है या नहीं है। बने रहिए गाइस हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए गाइस, न्यूज़ क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ जिसके ऊपर बहुत से यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है। तो मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ क्लियर कर देता हूँ कि न्यूज़ क्या है कि 24 तारीख को एक सेमिनार हुआ था सीबीएसई की तरफ से, जिसमें सीबीएसई के संयम भारद्वाज जो सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के, उन्होंने कुछ बातें बोली थी कि सीबीएसई जो अपना एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट के वो सेप्टेम्बर में ले सकते हैं वगैरह वगैरह, सितंबर के लास्ट में ले सकते हैं। तो बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि एग्ज़ाम जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं सीबीएसई के। ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है यूट्यूब पे, आपने सुबह से बहुत सी वीडियो देख ली होंगे, अगर नहीं देखी तो आप कोई ना कोई आप देख ही लोगे। तो ये जो न्यूज़ है गाइज, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि ये फेक न्यूज़ है, कहीं पर भी कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आई है कि सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया। और गाइज, आप किसी भी यूट्यूबर्स पे ऐसे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो जो बता रहे हैं आपको बेशक सही बता रहे होंगे कि जी जो संयम भारद्वाज है इन्होंने ये बातें कही हैं, बट गाइज आप जो ऑफिशियल नोटिस जो आता है, जब तक वो नहीं आता आप ये मान के चले लीजिए कि आपका एग्ज़ाम का अभी कुछ पता नहीं है। ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आता है हमेशा सीबीएसई का। तो सीबीएसई भी हमेशा यही कहती है कि आप फेक न्यूज़ वगैरह पे भरोसा मत कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिस दे दिया जाता है, तो उस नोटिस पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं सब कुछ, नोटिस में सब कुछ बात क्लियर होती है। तो गाइज आप बिल्कुल भी घबराइए मत, अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि आपके सितंबर में एग्जाम होंगे या आपके एग्जाम होंगे या नहीं भी होंगे, तो ये बात आपको बता दी गई है। तो गाइज अगर होंगे तो यहाँ पे एक और संभावना बनी है कि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे। अब ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। और किस डेट तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, किस डेट तक आपको बताया जाएगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो सब उस सब का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का भी, और उसका भी आई बटन पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और गाइज ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल भी इन फेक न्यूज़ पे भरोसा मत कीजिए। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप ऐसी वीडियोस ना बनाएं, ताकि बच्चे जो वैसे ही उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लेवल गिर चुका है, तो आप बिल्कुल भी ये सारी वीडियोस ऐसी ना बनाएं तो जिससे उनका लेवल और गिर जाए। तो आप बिल्कुल भी गाइज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी जो न्यूज़ है ये पक्की खबर नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आ जाता तब तक आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप चेक करीजिएगा। आपको अगर चेक करना नहीं आता तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस आएंगे मैं आपको विद प्रूफ नोटिस वगैरह सब दिखाऊंगा और आपको पढ़वाऊंगा भी बाकायदा, पूरा नोटिस के साथ आप देखोगे उसमें ही सारी बातें क्लियर होंगी, और वहीं से ही आपका जो है फाइनल जो डिसीजन होता है वो वहीं से ही होता है, सीबीएसई के जो वेबसाइट पे आता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब तक नोटिस नहीं आता आप बिल्कुल भी शांत होकर बैठ सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप पढ़ाई भी बिल्कुल भी मत छोड़िए गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या एग्ज़ाम होंगे, तो आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई मत छोड़िए और एग्ज़ाम अपने कंटिन्यू रखिए। और गाइज आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्या क्या आपको कंपार्टमेंट के पेपर में चीज़ें अपनानी है, मतलब किस बातों का ध्यान रखा है, इसके ऊपर के भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि गाइज उसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा, ताकि आप भी उस कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। तो गाइज जरूर देखिएगा उस वीडियो को, ताकि आप कंपार्टमेंट का एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर सको, और मैं अपना एक्सपीरियंस जो बता रहा हूं जो उस वीडियो में
तो अगर आप वो सब वो सारी बातें अपनाते हो तो गाइस बेशक आपके एग्ज़ाम हो तो आप बिल्कुल ज़रूर पास हो गए, ज़रूर 101% पास हो गए। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, बाकी फिर आपको पसंद आए और आपको अप्लाई करनी है वो सब चीज़ें वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको पास होना या नहीं होना वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट गाइज एक वीडियो देखने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके फ़ायदे की चीज़ ही बताई है मैंने उसमें। आपका देखने का मन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।